हेलो गाइस, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अपन बनाने क्या जा रहे हैं, या आप देख पा रहे हो टैंक रखा है और ये मैंने पाइप कट कर लिए हैं। आप कोई भी शेप का पाइप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक 18 इंच का पाइप है और एक 8.5 इंच का पाइप है। ये अपन को दो दो पीस कट कर लेने हैं। और ये टैंक मैंने 8 kg वाला लिया है गैस सिलेंडर का। ये आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगा, नॉर्मल जो गैस रिपेयर होते हैं वहाँ पे। और ये आपको समथिंग 800 के अराउंड मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और अपन को इसका नीचे का तला निकाल देना है और ऊपर जो यहाँ से पकड़ते हैं वो भी निकाल देना है, क्योंकि अपन को इसमें मतलब यूज़ नहीं करना है। आप चाहो तो लगा रहने दे सकते हो, बाकी मुझे ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैंने निकाल दिया। अभी अपन को ये जो मैग्नेटिक कॉर्नर है ना, इससे अपन को एकदम 90 डिग्री करके ये पाइप की फ्रेम बना ली है, जिस पे ये टैंक और कंप्रेसर बेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेल्ट कर देंगे अपन कंप्रेसर और ये है अपना टैंक। बाकी टैंक के अपन नीचे भी दो दो टाके लगा देंगे बेल्डिंग से। ये क्या होगा कि टैंक गिरेगा नहीं, और इस पर अपन नीचे व्हील लगाने हैं इस फ्रेम में। वो इसलिए क्योंकि अपन कभी भी इधर उधर कर सकते हैं इसे, और इसलिए मैंने इसमें छोटा पाइप रखा है क्योंकि अपन कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। और अपन देख सकते हैं नीचे पहिए मैंने स्क्रू से टाइट कर दिए, सेल्फ ड्रिल स्क्रू से। ये एकदम स्मूथली आगे पीछे जा रहा है। और ये लेके आया हूँ मैं बॉल्ब। ये आपको कहीं भी जहाँ पे रिपेयर होते हैं या जिसके भी पार्ट्स मिलते हैं ना एयर कंप्रेसर के, वहाँ पे मिल जाएगा ये बॉल्ब। उनसे कह देना कि मतलब एयर टैंक में कंप्रेसर में लगाना है, बॉल्ब दे दो आप, वो दे देंगे आपको बॉल्ब। और इसकी पीछे की चूड़ी भी वो ही दे देंगे आपको टाइट करके, कि इसमें कौन सी चूड़ी लगेंगी वो लोहे का दे दो, मुझे टैंक में बेल्ट करवाना ऐसी कह देना, तो वो दे देंगे। और ये अपन को टैंक पे बेल्ट कर लेना, आपको यहाँ करना हो वहाँ तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैंने आगे किया है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर बेल्ट। और ये ऊपर आप देख सकते हो एक सेफ्टी वॉल्व लगा है। इससे क्या हुआ कि जैसे ही अगर इसके अंदर टैंक के अंदर अपन चला के छोड़ देते हैं, तो जैसे ही इसमें ओवर प्रेशर होगा ना, तो ये जो वॉल्व है ना सेफ्टी वॉल्व, ये ओपन हो जाता है जो अपन सेट करते हैं उस प्रेशर पे। तो इससे क्या होता है कि टैंक ब्लास्ट कभी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इसे सेट कर दिया 80 PSI पे, 80-90 PSI के समथिंग बीच में आ रहा हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक डायफ्राम पंप का हेड है। इससे मैंने क्या किया है कि डायफ्राम पंप में एक वो जो स्विच लगा रहता है ना, जो उसे बार बार बंद चालू करता है, मैंने वही सब सिस्टम निकाल लिया है। मोटर को अलग कर दिया था और मैंने पुराना लिया था ख़राब। इसमें मैंने क्या किया, जो टैंक से एक पाइप जोड़ के इसे मैंने सप्लाई दे दी है। इससे क्या होगा कि इसे जो प्रेशर होगा ना टैंक के अंदर का, वो ये डिटेक्ट करके ये स्विच बंद हो जाता है इसका, और कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। या आप डायफ्राम पंप किसी भी मतलब जहाँ पे स्प्रे मशीन मिलती है वहाँ से ख़राब भी ले सकते हो। और अगर गाइस ठीक लग रही हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो और अच्छा रहेगा, बढ़िया। क्या उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। और अगर आप कमेंट करते हो कोई भी दिक्कत होती है तो मैं उसका रिप्लाई 1-2 घंटे के अंदर ज़रूर दे दूँगा। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो इन चीज़ों से रिलेटेड जो मैं बनाता रहता हूँ। ये मैंने कैपेसिटर अभी लगा दिया है इसमें अलग से, मतलब इसमें लगता है वैसे। और आप कंप्रेसर इसमें कोई सा भी लगा सकते हो, एसी का लगा सकते हो, डीप फ्रीज़र का लगा सकते हो, फ्रिज का लगा सकते हो। बस यही है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से इसमें टाइम लगेगा भरने में टैंक में। और आपको मीटर ज़रूर लगाना है इस टैंक में, ये PSI मीटर। इससे क्या होगा कि अगर टैंक में ज़्यादा प्रेशर होगा ना, तो अपन इसमें देख के तुरंत उसे मतलब बंद कर सकते हैं कभी एमरजेंसी सिचुएशन में। वैसे ऐसा होगा नहीं, उसमें हाई वॉल्व वगैरह लगे हैं, इसलिए ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये कभी ख़राब नहीं होता है। और ये टैंक आप हो सके मतलब इसमें ऐसा करना कि इसमें थोड़ा बहुत जो भी ऑयल डलता है कंप्रेसर में वो ऑयल आप डाल देना, क्योंकि हो सकता है पुराना लो आप तो उसमें निकल गया हो इसलिए, क्योंकि ये आगे चल के नहीं तो जाम हो जाएगा कंप्रेसर अगर आप पुराना मतलब लोगे तो, और जिसमें ऑयल नहीं होगा कंप्रेसर में। और मैंने ये नली है ना इसमें आगे मतलब ये रिमूवेबल कनेक्टर लगा दिए, जैसे अपन पेंट गन अलग कर सकें, कभी स्प्रे गन अलग कर सकें इसलिए। ये आप कनेक्टर भी उसी दुकान पे मिल जाएगा, यहाँ से मीटर और बॉल्ब वगैरह मिलेगा आपको, सेफ्टी वॉल्ब वगैरह। ये देख सकते हो आप इसमें प्रेशर भरा है अभी ये,
ये प्रेशर के कारण सारी चीज़ें ओल्डिंग थी इसलिए गिर गई। बाकी ये कंप्लीट सा हो गया है, अभी थोड़ा सा और रह गया बल्कि। और आप चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हो, ग्रेन लोडर वगैरह, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हो एक बार। और किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत पड़े इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट की वीडियो कह सकते हैं, बस इस पे कलर रह गया था थोड़ा सा। ये मैंने ट्राई करने के लिए मैं स्प्रे गन एयर गन मतलब स्प्रे गन लाया था, तो मैंने उससे कलाई किया तो थोड़ा बहुत इस पे हो गया कंप्रेसर पे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। मैंने इसे ज़रूर कलर कर दिया था टैंक को, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था वो रेड रेड। और मैंने इसी से इसी को पेंट कर दिया है इसमें पाइप लगा के, बाकी आप देख पा रहे हो और कुछ नहीं, बाकी सब एक नंबर व्यवस्थित है। यहाँ से एयर निकल रही है, और ये देख सकते हो ये है स्प्रे गन अपनी, ये मैं छोटी वाली स्प्रे गन लाया हूँ, आप कोई सी भी स्प्रे गन लगा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने इससे सिर्फ नॉर्मली पेंट करके देखा, बढ़िया पेंट हुआ इससे। और ये हो गया कनेक्ट, ये आगे से मैंने स्माइली बना दिया ऐसे ही नॉर्मली, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। बस इसमें दो वो ऐड और करने पंख, ये मतलब मधुमक्खी जैसा लगेगा अभी जैसा। ये देखो आप इसमें एक लिक्विड भरा है जो स्प्रे कर रहा हूँ मैं, ये अभी आप देख पा रहे हो, ये मैंने स्प्रे किया तो ये अभी वाइट वाइट दिख रहा होगा आप। हाँ ये देखो स्प्रे हो रहा है, ये मैंने इस पर वाइटी का लोगो भी प्रिंट कर दिया था, इसी से बना दिया है स्प्रे गन से। और प्रेशर आप देख ही पा रहे हो, बाकी सारी चीज़ें इसमें लगा दी है। और स्प्रे गन को अगर आपको साफ करना हो जैसे, तो इसमें दो तीन चार बूंद ऑयल डाल के जो केरोसिन होता है, और इसे चला देना तो ये अपने आप साफ हो जाएगी। और ये तुरंत रिलीज भी हो जाती है अपन तब करना चाहे इसे। यहाँ से बॉल बंद करके अपन पूरी पाइप अलग कर सकते हैं, जैसे कहीं कहीं अपन को ले जाना है तो ये पोर्टेबल भी है उस हिसाब से, कि ये आसपास जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये स्प्रे के कारण हुआ है, क्योंकि मैंने नीचे करके स्प्रे कर दिया तो वो टाइल्स पे आ गया है। बाकी आप ऐसा मत करना, नहीं मम्मी को टाइल लगाएंगी कर रही। प्रेशर होगा ना वो लगभग 100 के नीचे ही रखना, 100 से ऊपर बिल्कुल मत ले जाना। ये टैंक होते हैं मजबूत, ये 400-500 से ऊपर भी PSI प्रेशर सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी के लिए एक नंबर रहेगा, 100 के अपने आसपास रखें। अब ये देख पा रहे हो मैंने जैसे इसमें से एयर निकाली, ये नोज़ल ठंडा हो गया ऊपर वाला, और इसमें जो एयर थी वो कंप्रेस थी तो एकदम से तब रिलीज़ हुई, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर था ना वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया इसका नोज़ल। बाकी मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से मैंने वो जो मतलब वेल्डिंग कर दिया एक हिसाब से, इससे क्या होगा कि मैं ये वाली नली भी निकाल पाऊँगा इसके आगे बल्ब का, ये खुल नहीं रहा था, अगर खुल जाता तो अपन और कोई भी चीज़ लगा सकते थे, लेकिन वो खुला भी नहीं तो इसलिए ये सेफ्टी बल्ब है। बाकी ये हो गया है अपना ये कंप्लीट लगभग, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी सुधार करना हो वीडियो में तो आप मुझे बताना कि ये गड़बड़ी है तो मैं सुधार करूँगा। थैंक्स, बाय।